चल सही है। हेलो भाइयों, मोंटी मलिक दिस साइड। आज काफी दिनों बाद है ना आप सभी के लिए टाटा की गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ। टाटा की ईवी है ये, और ये टाटा टियागो ईवी है। तो आज इसके एक ओवरव्यू वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, और ओवरव्यू दूंगा बेसिकली आपको कि ये गाड़ी कैसी क्या है और कितनी भाई कंफर्टेबल है ये चलाने में, उसकी वीडियोस भी आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगी। तो सबसे पहले गाड़ी की ना चाबी की बात कर लेते हैं। तो की इसकी कुछ ऐसी मिलती है, हालांकि की कवर चढ़ा रखा हमने, इसमें लॉक अनलॉक हो गया, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, और यहाँ से अगर इसको बटन प्रेस करेंगे ना तो इसकी लाइट्स वगैरह हैजर्ड लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। खैर उसको मैं कर देता हूँ अभी बंद, और इसके बाद लॉक अनलॉक है ही। इसके अलावा साथ में ना आपको ये मिलता है, ये होता है बेसिकली फास्ट चार्जिंग को टैप करने के लिए QR कोड है। तो ये तो होगी भाई चाबी की बातें। अब करते हैं गाड़ी के फ्रंट की बात। तो फ्रंट की बात की जाए ना तो गाड़ी में ऐसा कुछ है, इसमें आपको कोई DRL वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कुछ स्काई ब्लू टाइप का आपकी ग्रिल सी मिलेगी, जो कि ईवी को वो करती है कि भाई ईवी को रेफर करती है इस कलर जो टाटा अपना गाड़ियों में देता है। दो TV की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। ग्रिल देखोगे पियानो ग्रिल है, कुछ अंदर आपको यहाँ पे AC वाला एरिया मिल जाएगा, और नीचे की ग्रिल वगैरह कुछ ऐसी है, हनीकॉम डिज़ाइन दे रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा लगता है। और जो नंबर प्लेट हरी है ही, तो हरी से पहचानी जाओगे भाई ये टाटा टियागो की हरी भरी गाड़ी है, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और यहाँ पे आपको फॉग लाइट्स मिल जाएंगी, ये DRLs हैं, और हैलोजन हेडलाइट्स आपको इसमें ऑफर की गई हैं कंपनी के द्वारा। और फ्रंट की बात की जाए तो गाड़ी की कुछ ऐसी अपीयरेंस है। अब गाड़ी के साइड प्रोफाइल में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये अलॉय व्हील है, बट ऐसा है नहीं, ये हैं आपके स्टील रिम्स, प्लास्टिक का इसमें भाई आपको व्हील कवर लगा रखे हैं। और जहाँ गाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको EV.EV की बैजिंग मिल जाएगी, और ये आपके ऑटो फोल्ड मिरर्स हैं। तो गाड़ी को अनलॉक करते हो ना आप, तो ये देख लीजिए आप, इस तरीके से लॉक और अनलॉक हो जाते हैं ये। वही बात की जाए यहाँ पे भाई, तो हैंडल्स वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, ब्लैक कलर डिज़ाइन काफ़ी मस्त लग रहा है, और सेम यही कंटिन्यू होता है बैक साइड में। अब बात करते हैं यहाँ जो कि बैक एरिया है। बैक एरिया में सबसे अच्छी बात है स्पॉइलर आपको मिल जाएगा, स्पॉइलर देख लीजिए कुछ इस तरीके का है। इसके अलावा बात की जाए तो डिफोगर प्लस रियर वाइपर भी इसमें ऑफर किया गया है। यही बात की जाए तो कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी थोड़ी गंदी ऑफ रोडिंग करके आई है, तो इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करना, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको कैमरे की क्वालिटी पता चल जाए कैसी क्या क्वालिटी है। और यही बात बूट की, तो एक बार बूट भी ओपन कर लेते हैं, और कैसे ओपन हो गए ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है ये। तो यहाँ पे भाइयों ऐसा कुछ सेटअप दिया गया, बच्चों का सामान रखा है काफ़ी ज़्यादा, और ये चार्जर है इसका जो कि स्लो चार्जर है, कुछ इस तरीके का होता है, वो एरिया दिखाऊंगा जहाँ पे चार्ज होता है ये। और उसके अलावा ये आपका भाई चार्जिंग का पूरा पॉइंट वगैरह है, ये सॉकेट है, ये भाई इतने भारी भारी भरकम इसमें सॉकेट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आप इसको पार्सल ट्रे को हटा भी सकते हो, यहाँ पे हुक वगैरह मिल जाएगा आपको। तो ऐसा कुछ ओवरऑल यहाँ पे आप गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के इंटीरियर की, और इंटीरियर में चलने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बंद नहीं हुआ आई थिंक ये, बट ये थोड़ा अलग सा स्टाइल है यार, यहाँ पे बटन प्रेस करो उसके बाद उसको खोलो, अगर नीचे देते हैं तो और अच्छा होता। टाटा का लोगो, टाटा TIAGO.EV, काफ़ी मस्त लग रही है गाड़ी देखने में। और चार्जिंग की बात की जाए, शायद चार्जिंग यहाँ होती होगी, इसको भी देख लेते हैं यार एक बार खोल के, लॉक है गाड़ी, ये खुल नहीं रहा, मैं देख के आपको बता दूंगा कैसे क्या ओपन होता है। तो बाहर से तो भाई बात कर ली गाड़ी की, नॉर्मल आपको टेल लाइट्स जो हैं वो भी नॉर्मल मिलेंगी बेसिक सी। अब गाड़ी के अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, ये देख लीजिए, यहाँ से बटन प्रेस कर दे वो होता है। और गेट्स भाई काफ़ी हैवी हैं, 5-star रेटेड गाड़ी ऑलरेडी है, तो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हम इन सब चीज़ों को। यहाँ पे बात की जाए तो भाई आपको एडजस्टेबल हाइट तो नहीं है, ये आपको बस नॉर्मल आगे पीछे हो सकती हैं। और उसके अलावा चार्जिंग का यहाँ से जो आपको दिखा रहा था मैं, इसको भी खो के दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार। तो यहाँ से गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हो। फास्ट चार्जिंग दो ऑप्शन होते हैं बेसिकली इसमें, एक फास्ट चार्जिंग का होता है, एक स्लो चार्जिंग का होता है। तो ऐसा कुछ सेटअप इसमें मिल जाएगा, इसको कर देते हैं बंद। और अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की बातें करते हैं। इंटीरियर में चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, यहाँ पे आप लॉक कर सकते हो शीशों को। उसके बाद ऑटोमेटिक गाड़ी है भाइयों, आप ईवी गाड़ी भाई ईवी में गियर कहाँ से आने लगे, गियर आने लगे तो सारे काम कल्याण हो जाएंगे। यहाँ पे आपको हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, चार स्पीकर्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको ड्राइव मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, रिवर्स और न्यूट्रल गाड़ी में दिया गया है। इसके अलावा इसको गाड़ी को एक बार ऑन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको
मिरर एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हो। टाटा की गाड़ियों में तकरीबन यहीं पे मिलता है। स्पीडोमीटर ऐसा कुछ है। इसको गाड़ी को एक बार है ना ऑन करता हूँ, ये देखिए आप 160। अब इसकी रेंज की बात की जाए तो आपको ये 41% बैटरी दिखा रही है और 85 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। रेडी टू ड्राइव है गाड़ी को। अगर ड्राइव करना है तो इसको यहाँ से ऐसे रिवर्स हो गई, ये अब ड्राइव मोड पे हो गई। तो जैसे ही मैं ब्रेक को छोड़ूंगा, हैंड ब्रेक को हटा के, तो गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। चलनी स्टार्ट भी हो गई है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गाड़ी चलती है। इसका ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। इसको करता हूँ मैं न्यूट्रल फिर से। ये स्पोर्ट्स में लग गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये फर्स्ट कमर्स के लिए जो स्टार्टिंग में आते हैं। और यहाँ पे आपको एसी वगैरह मिल जाएगा, और इसके अलावा ग्लो बॉक्स यहाँ से आप खोल सकते हो प्रेस करने के बाद। इसमें अच्छा खासा स्पेस आपको दिया गया है। यहाँ पे बात की जाए तो भाई मिरर आपको मिल जाएगा, एयरबैग आपको दिए ही गए हैं, और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स करके टिकट होल्डर वगैरह आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसर्स वगैरह, कैमरा और माइक वगैरह दिया गया है। स्टीयरिंग की बात की जाए भाई, स्ट्रेचिंग वगैरह आपको प्रॉपर मिलती है कुछ इस तरीके से। अब भाई वो फ्रंट में बैठ गया हूँ मैं, अब बैक साइड की बात और कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई गाड़ी में स्पेस के वाइज कैसा है। तो चलिए भाई बैक साइड पर चलते हैं। भाई गेट्स काफ़ी हैवी हैं। एक कमी मुझे लग रही है कि भाई यहाँ बोतल रखने का स्पेस नहीं है, जो कि बहुत ही बेकार है। अब गाड़ी के बैक साइड में चलते हैं। तो स्पेस की बात की जाए तो यहाँ बैठ जाता हूँ मैं एक बार। सामान रखा है, इसको थोड़ा इग्नोर करो आप। तो सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट थी, तो मतलब ठीक ठाक है। और हाँ, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, वो आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको भाई लाइट्स वगैरह आप ऑन कर सकते हो, कुछ इस तरह लाइट्स हैं, और ऐसा कुछ ओवरऑल इसका सेटअप दिया गया है। बाकी भाई हेडरूम आपको सही मिल जाएगा, ठीक ठाक मिल जाएगा, मतलब बेसिकली कुल मिला करके। और सेफ्टी वाइज भाई टाटा की गाड़ियाँ है, 4 स्टार 5 स्टार तो आराम से अचीव कर ही लेती है। और ऐसा कुछ एक ओवरव्यू दिया मैंने गाड़ी का। प्राइस वगैरह आपको सारे डिस्क्रिप्शन में, 13 लाख के आसपास का इसका प्राइस होता है वैसे डिस्प्ले में। और ये गाड़ी देख लीजिए, ऐसे कुछ रखते हैं टाटा टियागो ईवी। और ये एक ओवरव्यू था गाड़ी का। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। हालांकि इसके ड्राइव रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू, ड्रैग रेस सब कुछ बहुत ही जल्द अपने चैनल पे आने वाली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी रेंज वगैरह मतलब सब कुछ A to Z जो भी इस गाड़ी से रिलेटेड है सारी चीज़ आपको दिखाई जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही भाई दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत जल्द। थैंक यू सो मच भाइयों इस वीडियो को देखने के लिए।